नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। हरिद्वार में कोरोना टेस्ट मामले में हुई गड़बड़ी के खिलाफ विपक्षी दल लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साधने में लगा है, जिसके चलते किच्छा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता सुरेश पपनेजा ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग घोटाला मामला प्रदेश सरकार का उदासीन रवैया जाहिर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। किच्छा से संवाददाता राज सक्सेना की ये रिपोर्ट। देखिए, कोरोना जांच के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया और लोगों के प्राण गए। पूरे देश में कोरोना फैला, हमने देखा कि दूसरी लहर के रूप में किस तरह लोग मरे हैं, और ये प्रदेश सरकार की लापरवाही है और इसमें बड़े घोटाले का पीछे इसमें षड्यंत्र है। और इसमें नाम भी सामने आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के पीए के भतीजे का नाम सामने आया है, इसलिए हम पार्टी इसका विरोध कर रही है कड़े शब्दों में। नाराजगी, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है भ्रष्टाचार में मुक्त है, भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, आप देखिए जिस तरीके से हरिद्वार जो हमारी पवित्र स्थली है, जो धार्मिक स्थली है, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की जो टेस्टिंग हुई थी, कोरोना टेस्टिंग हुई थी, उनके जान के साथ खिलवाड़ किया था इस सरकार ने। उनकी फर्जी टेस्टिंग हुई थी, उस फर्जी टेस्टिंग की जांच कराने के लिए, उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर हमने आज अपने महाराणा प्रताप चौक पर पुतला दहन कर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमने विरोध दर्ज कराया और उससे मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे जो दोषी हैं वो सामने आए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। पिछले दिनों महाकुंभ आयोजित हुआ था, पूरे देश में पूरे विश्व में कोरोना से लोग संक्रमित हैं, उसके दौरान महाकुंभ कराया गया, लेकिन उस महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ये भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, महाकुंभ के दौरान ऐसी पवित्र जगह पे जो कोरोना जांच में घोटाला हुआ है, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त जांच होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा दोषियों को दी जानी चाहिए। ये मेरी मांग है। दरअसल ऐसा है कि हरिद्वार में कुंभ मेले में जो कोविड टेस्टिंग हुई और वो फर्जी टेस्टिंग के रूप में पूरा एक स्कैंडल हमारे उत्तराखंड में काम कर रहा था। चाहे पुलबट्टा में भी इस तरीके के लोग पकड़े और लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, कई लोग उसमें मरे हैं। तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिन व्यक्तियों ने ये काम किया, क्योंकि सरकार के इशारे पे किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज किच्छा में जो वैक्सीनेशन का वो घोटाला हुआ है, जांच पे जो हरिद्वार में कुंभ में कोरोना की जांच का घोटाला हुआ है, उसके विरोध में पुतला फूंका था, क्योंकि ये एक तरह से देशद्रोह है। आप कोरोना को रोकना चाहते हैं और आप जिनको ठेका दे रहे हैं, सरकार जिनको नियुक्त कर रही है, उनको कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं देख रहा, कोई सरकार नहीं देख रही, और वो मनमानी कर रहे हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और कोरोना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, इसलिए हमने ये पुतला फूंका है।